नीतिका हालांकि चर्चा की जाएगी, लेकिन उस तो पहला ही सिद्धू ने एक बार फिर तो सोहता नु निशाने ते लिया, यानी के सिद्धू चर्चा नहीं मन माफिक फैसला चाहते ने। बिल्कुल, देखो ये कहना गलत नहीं होएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इतने पहुंचे जरूर ने, पर दो कंडीशंस लेके इतने पहुंचे ने। एक तो जिहड़े इकबाल प्रीत सिंह सोहता जिन्हां डीजीपी का एडिशनल चार्ज जिहड़ा दिता गया है कि एक तो वह हटाया जाए, दूजा जिहड़े एजी बनाए गए ने सीनियर एडवोकेट एपीएस देओल नूं एजी बनाया उन्होंने बदलिया जाए। तो कह सकते दो कंडीशन के नाल इतने पहुंचे ने। फिलहाल कि उन्होंने वालों जिहड़े ये दो कंडीशन रखिया गई ने मनिया जांदियां या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इतने पहुँच गए ने, उन्होंने वालों ही सद्दा दिता गया सी, क्योंकि आला कमान के आदेश सीगे कि इस बार आला कमान इंटरव्यू नहीं करेगी, तो इस मुद्दे नूं पंजाब लेवल ते ही जिहड़ा है सुलझाया जाए, पंजाब की जिहड़ी लीडरशिप है वो इस मुद्दे नूं सुलझावे, तो ना ही उन्होंने वालों नवजोत सिंह सिद्धू का अस्तीफा मंजूर किया गया। पर की ये जिहड़ियां दो कंडीशंस लैके इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे ने कि वह मन लिया जाणगे, की चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू नूं मना लेंगे, क्योंकि जे नवजोत सिंह सिद्धू मनणगे तां इह तां जरूर है कि डीजीपी भी बदलेंगे ते एजी पंजाब भी बदलेंगे, ते नाल ही जे नहीं मने यानी कि जिहड़ा उन्होंने रिजाइन दिता होया है जो उन्होंने वापस नहीं लिया, तो फिर पंजाब कांग्रेस का नवा प्रधान कौन होगा, क्योंकि एक अहम चेहरा असं जिस तरह दस रहे हैं कि हरीश चौधरी इतने पहुंचे हुए ने, पहला भी जो एम एल एज की मीटिंग हुई सी वो हरीश चौधरी इतने पहुंचे थे, अजय माकन इतने पहुंचे थे, हरीश रावत पहुंचे थे, तो हरीश चौधरी ने एक वड्डा रोल उदो भी प्ले किया। जानकारी यह है कि जो ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अस्तीफा दिता हरीश चौधरी चंडीगढ़ पहुंच गए थे, लगातार एम एल एज के नाल मीटिंग कर रहे थे सिर्फ ये जानने लिए कि आखिर किन्ने जाने जिहड़े ने नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल खड़े हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अस्तीफा दिता, उस तो बाद रजिया सुल्ताना ने भी कैबिनेट पोस्ट तो अस्तीफा दे दिता, उसके नाल ही गुलजार की गल होवे, योगेंद्र ढींगरा की गल होवे, कई जिहड़े होर लीडर्स ने उन्होंने अपने अपने पद तो अस्तीफा दे दिता सीगा, पर किन्ने एमएलए जिहड़े ने ओह नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल खड़े ने यह जानने वास्ते खंगालन वास्ते हरीश चौधरी इतने पहुंचे हुए थे। फिलहाल चाहे प्रगट सिंह होन उन्होंने वालों साफ तौर पर कह दिया गया कि मैं अपने कैबिनेट पोस्ट तो इस्तीफा जिहड़ा है नहीं दूंगा, पर तुहानू दस दईए कि इत्थे जिथे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब भवन पहुंचे हुए ने उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू इतने पहुंचे हुए ने, कुलजीत नागरा इतने ने, प्रगट सिंह इतने पहुंचे हुए ने, सब तो अहम चेहरा हरीश चौधरी जिहड़े इस मीटिंग दे विच वी शामिल रहेंगे, ते पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हां दोवां दा जिहड़े विच जिहड़ी इन्हां दोवां दे विच दूरी आई है उसनूं खत्म किया जा सके। पर हुण तुसीं देखोगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ियां कंडीशनस लैके आए ने उसनूं साबका मुख्यमंत्री की जे गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते ने कि सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने चन्नी ते थोपियां जाण। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जदों चन्नी ने नहीं मनी नवजोत सिंह सिद्धू की राय तो उन्होंने वालों जिहड़ा अस्तीफा दे दिता गया, जबकि साबका जिहड़े मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कहा गया कि प्रधान का फर्ज हुंदा है कि वह अपनी सलाह देवे, मुख्यमंत्री उसनूं मने या ना मने ये उन्हां दी अथॉरिटी हुंदी है, पर जे गल कीती जावे सुनील जाखड़ दी जिहड़े पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान रहे ने उन्हां वल्लों भी यह कहा गया कि एक बार फिर तो जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री दी अथॉरिटी है उसनूं अंडरमाइन करन दी कोशिश जिहड़ी है वह नवजोत सिंह सिद्धू ने कीती है, वह भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं घेरदे हुए नजर आए। तो कह सकते हैं इस वेले जिथे ज्यादातर लीडर जिहड़े ने चन्नी दे सपोर्ट दे विच खड़े हो रहे ने उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू दे सपोर्ट च भी कई लीडर जिहड़े ने खड़े हुए ने, उन्हां दा कहना है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के जे डीजीपी के एजी नूं लैके इशूज ने तो वह भी दस दिए की है, उन्होंने कहना है कि जिहड़े डीजीपी लगाए गए ने इकबाल प्रीत सिंह सहोता उन्होंने कहना है कि यह उही ऑफिसर ने जिहड़े बेअदबी मामले की जांच कर रहे थे, इन्होंने ही बादलों नूं क्लीन चिट दिते सी, ये उन्होंने वालों एलीगेशन लगाए गए ने कि जे उदो क्लीन चिट दिती गई सी तो हुण उन्हें डीजीपी क्यों लगाया गया। एजी की गल की जाए पीएस देओल की, क्योंकि साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी दे वकील रहे ने ते कई मामलों दे विच उन्हां नूं राहत भी दवा चुके ने, जिते ब्लैंकेट बेल दवाई है, ते नाल ही जे गल कीती जावे बहबल कला गोलीकांड मामला ते कोटकपुरा फायरिंग केस दे विच जिहड़े नामजद पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हां दे भी वकील ने उन्हां दी भी पैरवी कर चुके ने, ते तुहानूं दस्सदी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट हुंदा है, यानी कि जे उन्हां दे वल्लों पैरवी कर चुके हुण उन्हां दे खिलाफ जिहड़े है दलीला नहीं दे सकते, यानी कि सरकार दे पक्ष दे विच पैरवी जिहड़े है इन्हां मामलों दे विच नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से चलते, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ इन एंड आउट पता है कि आके सुमेर सिंह सैनी केस दे विच की कुछ होया सी, तो यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि इन दोवें चाहे वह डीजीपी होन या फिर एजी होन इन्हों बदलिया जाए, कंडीशन लैके इतने पहुंचे ने, हुण यह देखना काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा कि
चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू नॉमिनॉन्च दे विच जिहड़े ने सफल हुंदे ने या फिर फेरबदल जिहड़ा है ओह देखण नूं मिलदा है या नहीं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू अपना रिजाइन जे है वापस नहीं लैंदे तां पंजाब बदलने कुर्सियां ते चेहरे बदलने तां पक्के ने चाहे एजी और डीजीपी दी कुर्सी ते चेहरे बदलन या फिर सिद्धू दी कुर्सी ते चेहरे बदलन लेकिन कांग्रेस हाई कमान दी अगर गल कीती जाए नीति का हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू ए एक अजिहे स्ट्रोंग फेस पंजाब कांग्रेस दे कोल जिन्हां दे आधार ते ही 2022 दीआं चोणां कांग्रेस ने लानियां सी और सिद्धू दे चक्कर दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तां खो बैठी है हुण हाई कमान सिद्धू नूं लूज नहीं करना चाहेगी अजिहे दे माहौल दे विच क्योंकि विरोधियों दे वल्लों भी हुण टीचरां करनियां शुरू कर दित्तियां गईआं ने की लगदा है कि हाई कमान दी हुण किते ना किते मजबूरी भी बन गई है कि किसी तरीके दे नाल सिद्धू मन जाण देखो एक कहना गलत नहीं होएगा कि आला कमान इस सिचुएशन नूं संभाल नहीं पाई क्योंकि पहला संगठन ते सरकार दोवें मिलके चल रहे सीगे पंजाब कांग्रेस दे जिहड़े साबका प्रधान सीगे सुनील जाखड़ ते नाली पंजाब दे मुख्यमंत्री सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दोवां दी ट्यूनिंग काफी ज्यादा अच्छी सीगी पर जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल चुकने शुरू किते तां उस तों बाद तुसीं देखोगे कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बना दित्ता गया ते नाल ही संगठन ते सरकार जिहड़ी आ उह इकट्ठे हो के नहीं चल रही सी उस तों बाद आला कमान ने इक होर फैसला कर दिता कि चलो सीएम बदल दो रिजाइन ले लिया गया साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो फिर यह लग्या कि शायद हुण सरकार ते संगठन जिहड़ा मिलके चलेगा हुण लेकिन एक बार फिर तो सरकार ते संगठन दे विच जिहड़ी दूरी है ओह देखण नूं साफ तौर ते मिल रही है यह जरूर है कि इसका पूरा नुकसान जिहड़ा है ओह कांग्रेस नूं ही हो रहा है क्योंकि गल की जाए श्रोमणी अकाली दल लगातार घेर रही है कि दलित सीएम बनाया है इसलिए उन्होंने सुनी नहीं जाती नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी रबर्ट सैम की तरह जो है यूज कर रहे हैं उन्होंने डमी सीएम जोड़ा है वह बनाया गया है यह अकाली दल कह रहे हैं इस नाल ही बीजेपी भी यही कह रही है तो सारे तुम देखोगे कि पूरे पंजाब के इस लैके पॉलिटिक्स हो रही है तो नुकसान किसका हो रहा है जिस तरह पहला भी कहा कि आम जनता का नुकसान जोड़ा है हो रहा है क्योंकि इस कुर्सी की लड़ाई के कितने ना कि मुद्दे जोड़े ने जिहड़े चुके जा रहे सीगे उसते काम नहीं हो रहा तुसी देखो कि हले भी असी इत्थे खड़े हां पर नर्सां जिहड़ियां ने पंजाब भवन दे बाहर खड़ियां ने क्योंकि ओह नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिलन वास्ते गईआं सी पर उन्हां दी नहीं सुनी गई रस्ते विच भी उन्हां वल्लों प्रोटेस्ट कीता गया ते हुण ओह पंजाब भवन दे बाहर पहुंचीआं ने अपनी मंग लै के कि शायद चाहे सरकार होवे या संगठन होवे कोई ना कोई तो उन्हां दी जरूर सुनेगा ते इही गल असी कह रहे हां कि आम जनता दे जिहड़े मुद्दे ने ओह उसते काम नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार ते संगठन आपस च मिलके नहीं चल रहे ते पंजाब कांग्रेस जिस तरह बिल्कुल